हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी अगर आपको आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है तो बताइएगा, सेशन को स्टार्ट करेंगे। एंड कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको देनी है, अनअकैडमी के कोर्सेज अगर आप लेना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी ले लीजिए, क्योंकि इनके प्राइजेस ये बढ़ा रहे हैं। और कोड आप जानते हैं आपको क्या यूज करना है, झासर कोड का यूज करना है, राइट। और एनुअल प्राइस के कोर्स में हाइक हो रहा है अभी, ये हाइक जो है वो करेंगे 9 तारीख को, 9 दिसंबर को। और 3 महीने फ्री भी जो है वो इसमें दे रहे हैं। अगर आप इनका एनुअल प्लान लेते हैं तो 3 महीने फ्री में भी ये प्रोवाइड कराएंगे। और ऑप्शनल के लिए आप काफी सारे, एक बार ऑप्शनल की पेमेंट आपको करनी है और आप काफी सारे ऑप्शन जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। और कोड झासर का ही यूज करना है, राइट। और काफी सारे ऑप्शन है, जाकर स्क्रॉल करिए। और साथ ही साथ काफी सारे बैचेस भी हैं, 8 दिसंबर से बैच जो है वो शुरू हो रहे हैं, राइट, वेरियस बैचेस सिविल सर्विसेज के लिए। और साथ ही साथ फ्री टेस्ट सीरीज है, फ्री में भी टेस्ट सीरीज अगर आपको देनी है तो आप दे सकते हैं। हर संडे होती है, मंडे टू फ्राइडे होती है, मंडे टू फ्राइडे मतलब 7:30 बजे और 10 बजे, सुबह 10 बजे भी होती है। तो कोड यूज करना है झासर का, कैपिटल में, राइट। और बाकी अभी 5 दिसंबर को दिन में 11 बजे, 5 दिसंबर को दिन में 11 बजे फ्री में एक प्रोग्राम इनका शुरू होने वाला है। और ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जिसमें फ्री प्रोग्राम है और 4 करोड़ से ज्यादा की स्कॉलरशिप जो है वो उसमें मिल सकेगी। और इंग्लिश हिंदी दोनों में ही अवेलेबल है। तो झा सर का कोड यूज करते हुए ये फ्री प्रोग्राम में भी इनरोल हो जाओ, राइट। और बाकी आप जानते ही हैं कि इसमें अनअकैडमी में काफी सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड कराते हैं, काफी सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है। इवन आपको लोन भी मिल सकता है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी में। तो 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये लोन दे रहे हैं। तो कोड आपको हमेशा यूज करना है, क्योंकि कोड यूज करोगे तो और डिस्काउंट जो है वो आपको मिलेगा, राइट। और बाकी इसके बारे में आपको बता ही दिया, 5 दिसंबर को 11 बजे एक टेस्ट जो है वो होगा, फ्री टेस्ट है, इसमें स्कॉलरशिप जो है वो मिलेगी, ठीक है। तो चलो अब आगे अपना कंटिन्यू करते हैं। सभी स्टूडेंट जो है वो जुड़ भी गए हैं। चलिए, और आप लोग जानते ही हैं कि हमारे कोर्सेज के बारे में, करंट अफेयर्स के लाइव कोर्स, जनरल स्टडीज, जीरो से तैयारी बैच और मेंस आंसर राइटिंग बैच और टेस्ट सीरीज के बारे में। तो अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको कोर्सेज से रिलेटेड तो 9713282838 पर जो है वो टेक्स्ट करिएगा, मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, राइट। और बाकी इस लाइव करंट अफेयर्स की क्लास को आपको कैसे अप्रोच करना है, तो जो भी स्टूडेंट्स पेड बैच में हैं तो उनको पहले से ही मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाता है, स्टडी मटेरियल रीड करने के लिए। तो आपको रीड करना होता है, और रीड करने के बाद जब आप लाइव सेशन को अटेंड करते हैं तो उसके काफी सारे फायदे हैं। तो आप अपने डाउट्स को जो है वो क्लैरिफाई कर सकते हो लाइव सेशन के दौरान। साथ ही साथ आपकी मेमोराइजिंग पावर इंक्रीज होती है, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार आप टॉपिक पढ़ चुके होते हो, और जब दो दो बार टॉपिक पढ़ चुके होते हो तो लॉन्ग टर्म तक इसको रिटेन करने में आपको हेल्प मिलती है। साथ ही साथ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और एक टॉपिक पर एक अच्छी कमांड आपकी डेवलप होती है। रीडिंग और राइटिंग स्किल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपकी डेवलप होती है इस प्रैक्टिस से, और यही प्रैक्टिस सही है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। और बाकी फटाक से यूट्यूब पर देख रहे हो इस पर्टिकुलर लेक्चर को तो लाइक करो और शेयर जरूर किया करो लेक्चर को। तो चलो, आज के कौन से टॉपिक्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, माउंट गिरनर के बारे में। हालांकि पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं माउंट गिरनर के बारे में। बताइए जरा, माउंट गिरनर जो है वो कौन सी स्टेट में आता है, कहाँ पर है ये पर्वत, कहाँ पर है ये माउंटेन। और साथ ही साथ पावर स्कीम वुमेन साइंटिस्ट के लिए हम लोग को देखने को मिल रही है। एक्चुअली में वुमेन साइंटिस्ट को प्रमोट करने के पर्पज के लिए पावर स्कीम है। वेरी गुड, आप लोगों ने सही आंसर दिया, गुजरात का। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे वीर सावरकर जी के बारे में, इनसे रिलेटेड। हालांकि पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बट इनसे रिलेटेड और कुछ सामने फैक्ट्स आए हैं तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में भी हमारी ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है, तो फिर से हम लोग देखेंगे। जम्मू एंड कश्मीर का रोशनी एक्ट, कल मैंने टेलीग्राम का बैच जो है हमारा, यानी कि ग्रुप जो है टेलीग्राम का हमारा चैनल जो है, वहां पर एक लिंक शेयर करी थी जम्मू एंड कश्मीर रोशनी एक्ट की। और इवन आप टीचमेंट पर भी जो है वो मैंने एप्लीकेशन पर, लाइव बैच की एप्लीकेशन पर लिंक जो है वो शेयर करी थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे से देख लिया होगा, रोशनी कानून को। ये टॉपिक जो है वो रिपीट हुआ है, तो इस पर एक अच्छी कमांड जो है वो आपको होनी चाहिए, राइट, इस जम्मू एंड कश्मीर रोशनी एक्ट पर। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस एक्ट के बारे में भी, मैं आपसे पूछूंगा बेसिकली, क्योंकि इस टॉपिक को मैं ऑलरेडी अभी पढ़ा चुका हूँ आपको, और एक लिंक भी आपको दे दी गई है। जिन भी स्टूडेंट ने टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लीजिए, वो फ्री चैनल है, वहां पर वेरियस लिंक्स मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ, पूरी चैनल की अपडेट्स आपको वहीं पर मिलेंगी। साथ ही साथ एक आई मैक, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर, तो इसके बारे में हालांकि पहले हमने पढ़ा है बट काफी टाइम हो गया, तो फिर से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन एनरिच कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हम लोग को देखने को मिल रही है, सीएनजी, यानी कि ब्लेंडिंग की जा रही है, मिक्स किया जा रहा है हाइड्रोजन और सीएनजी को, तो एचसीएनजी हम लोग को देखने को मिल रही है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक्रॉस स्कीम के बारे में पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, फिर से ये टॉपिक आया काफी समय बाद, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो ये सब टॉपिक है गाइस आज के, जिसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे डिटेल में।
सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से। तो गिरनर पर्वत, इससे रिलेटेड तीन चार फैक्ट्स बस आपको पता होने चाहिए कि गुजरात में जूनागढ़ के पास ये स्थित हम लोग को देखने को मिलता है। भगवान दत्तात्रेय, तो ये जो है ये हिंदू गॉड है, हिंदू भगवान है, इन्होंने गिरनर पर्वत की चोटी पर तपस्या की थी, तो ऐसी मान्यता बताई जाती है। और बताया जाता है कि इस स्थान पर, इस प्लेस पर जहां पर ये पर्वत है, 22वें तीर्थंकर भगवान नैमिनाथ ने निवारण भी प्राप्त किया था। तो ये वाली चीज भी आप थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको, 22वें तीर्थंकर भगवान। अच्छा, ये किस धर्म की बात हो रही है, निर्वाण इन्होंने प्राप्त किया था, जैनिज्म की बात हो रही है या बुद्धिज्म की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कौन से ये भगवान हम लोग को देखने को मिल रहे हैं? नैमिनाथ, जैनिज्म, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 22वें तीर्थंकर, क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी बन सकता है कि 22वें तीर्थंकर का नाम बताइए, तो ये है नैमिनाथ। और इनका बताइए आप, अभी जो हम लोग को देखने को मिलते हैं महावीर जो है, वो कौन से नंबर के तीर्थंकर हम लोग को देखने को मिलते हैं? 24वें नंबर के, वेरी गुड। और 23वें नंबर के कौन है, किसी को पता है? 23वें नंबर के तीर्थंकर जो है वो कौन है? हाँ, परश्वनाथ, वेरी गुड, ठीक है। तो ये चीज बस आप थोड़ी सी ध्यान रखो, 22nd, 23rd और 24th, राइट। इस प्रकार की चीजें कई बार पूछ ली जा सकती हैं। अब यहां पर बात हो रही है महिला वैज्ञानिकों के लिए पावर योजना, तो पावर का फुल फॉर्म पहले तो आपको पता होना चाहिए। महिलाओं के लिए अनुसंधान में अवसरों को प्रोत्साहन, मतलब की पावर, प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, तो इसमें मेनली फोकस किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा महिला साइंस और इंजीनियरिंग की फील्ड में जो है वो आगे बढ़े, एक्चुअली रिसर्च फील्ड में आगे बढ़े। और किस तरीके से हो ये रहा है कि हमें जनरली देखने को मिलता है कि जो फंडिंग होती है, फंडिंग किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर, साइंस और इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट पर रिसर्च करने की, ये फंडिंग मेनली तौर पर मेल्स को दी जाती है, पुरुषों को जो है वो प्रोवाइड की जाती है रिसर्च करने के लिए। बट अभी जो ये पावर प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है, इसके थ्रू बताया जा रहा है कि हमारे जो इंडियन अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है, यानी कि इंडिया के जो इंस्टीट्यूशंस है, राइट, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जहां पर जो है वो रिसर्च वगैरह कंडक्ट होती है, राइट, तो वहां पर बताया जा रहा है कि फंडिंग स्पेसिफिकली जो महिला जो है वो ज्यादा से ज्यादा साइंस और इंजीनियरिंग की फील्ड में जो है वो रिसर्च कर सके, इसलिए ये फंडिंग अब प्रोवाइड की जाएगी। तो ये चीज बस आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और इसे लॉन्च किया है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा, जो कि एक स्टैचुटरी बॉडी हम लोग को डीएसटी के अंडर देखने को मिलती है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, सर्व पावर फेलोशिप और सर्व पावर रिसर्च ग्रांट, ठीक है। बस बेसिक सी चीज आपको पता होनी चाहिए, सिंपल सी पावर स्कीम क्या है। तो साइंस एंड इंजीनियरिंग आप ध्यान में रखना कि महिला जो है वो साइंस एंड इंजीनियरिंग की फील्ड में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च कंडक्ट कर सके, तो उसको प्रमोट करने के लिए ये पावर स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। वीर सावरकर की हम लोग बात करेंगे गाइस, वीर सावरकर जी की, राइट। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर उदय महुरकर, इन्होंने रिसेंटली कहा है कि एरा जो है वीर सावरकर जी का, इस जिन्हें आर्किटेक्ट ऑफ हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो है वो कहा जाता है, ये ऑलरेडी इंडिया के अंदर सेट हो चुका है, और उनकी पर्सनालिटी जो है वो भारत रत्न से ऊपर है, भारत रत्न जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर हम लोग को देखने को मिलता है, तो ऐसी स्टेटमेंट जो है वो दिया गया। एक्चुअली पूरा मुद्दा, पूरा इशू क्या था अभी जो चल रहा है, तो एक्चुअली इनका एक कोड है, इनका एक एक्चुअली एग्जांपल है, जिसको इस प्रकार से दिखाया जा रहा है कि ये जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया करते थे, बट एक्सपर्ट्स का कहना है, उनका ओपिनियन ये है कि जिन्ना जो है वो पार्टीशन चाहते थे और सावरकर जी जो है वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया चाहते थे, मतलब कि ये कहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग नेशन में नहीं होने चाहिए, राइट, बट टू नेशन थ्योरी, मतलब अलग अलग नेशन तो नहीं होना चाहिए बट एक ही, जैसे कि हम लोग को फेडरलिज्म जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना, कि स्टेट, सेंटर और स्टेट्स हम लोग को देखने को मिलती है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट हम लोग को देखने को मिलती है, तो कह रहे हैं कि वैसे ही उसी प्रकार से पाकिस्तान को बना देना चाहिए था, राइट। तो ये सावरकर जी की अप्रोच थी, बट जिन्ना जो थे वो चाहते थे पार्टीशन, राइट। तो ये चीज आपको बस थोड़ी सी ध्यान में रखनी, कई बार क्या होता है कि मेंस में आप अगर इस प्रकार के डिफरेंसेस अगर लिख लो ना तो भी बहुत अच्छा होता है, एक आधी लाइन जो है वो मतलब कंपेयर करते हुए, राइट, किसी से डिफरेंशिएट करते हुए, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो जिन्ना जो है ये चाहते थे माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन को, कि माइनॉरिटी जो है उनका रिप्रेजेंटेशन हो, बट सावरकर जो है वो चाहते थे मेजॉरिटी रूल करे। जिन्ना जो चाहते थे वो रेसिडुअरी पावर चाहते थे, ये रेसिडुअरी पावर जो है वो प्रोविंसेस के पास होनी चाहिए, बट सावरकर जी चाहते थे कि अवशिष्ट शक्तियां जो है, रेसिडुअरी पावर जो है,
ये सेंटर केंद्र के पास जो है वो होनी चाहिए। क्या कोई मुझे समझा सकता है कि रेसिड्यूरी पावर्स जो है वो होती क्या है? बताइए कौन किसको बोलते हैं हम लोग रेसिड्यूरी पावर्स? बहुत सिंपल सी चीज है, इसका एक इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए रेसिड्यूरी पावर के बारे में कि क्या होती है रेसिड्यूरी पावर। गाइज मेरी आवाज आ रही है आप तक? है ना, तो बताओ जरा रेसिड्यूरी पावर के बारे में कि क्या होती है। देखो सिंपल सी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि आप ये चीज ध्यान में रखो, आपको ये पता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट जो हम लोग को देखने को मिलती है, इनके बाहर जो भी चीज आएगी, यानी कि जो भी नई जैसे कानून वगैरह आएंगे या जो भी नई चीज आएगी, तो उस वो रेसिड्यूरी पावर जो है वो कहलाती है, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये चाह रहे थे कि रेसिड्यूरी पावर जो है वो जिनना चाहते थे कि वो प्रोविंसेस के पास जो है वो होनी चाहिए, यानी कि अपार्ट फ्रॉम जैसे कि ये जो सब्जेक्ट है उसके बाहर जो भी चीज आ रही है तो उस पर रूल करने की जो पावर है वो किसके पास होनी चाहिए? प्रोविंसेस के पास होनी चाहिए। बट सावरकर चाहते थे कि वो सेंटर के पास है। और आज की डेट में बताइए किसके पास है रेसिड्यूरी पावर, अगर इन जनरल आपसे पूछू तो? सेंटर के पास, एग्जैक्टली। और आईएएस अर्पिता जी ने भी बिल्कुल सही चीज लिखी और काफी सारे आप स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही चीज जो है वो लिखी है, इसका आंसर वेरी गुड। जिन्ना जो है वो चाहते थे कि रिजर्वेशन जो है सिविल सिविल या पब्लिक सर्विसेज के रिक्रूटमेंट के लिए होना चाहिए रिजर्वेशन, राइट? बट सावरकर चाहते थे कि मेरिट के आधार पर जो है वो प्रोसेस डिजाइन की जानी चाहिए। तो जिन्ना रिजर्वेशन को सपोर्ट करते थे, सावरकर मेरिट को सपोर्ट करते थे। तो इस प्रकार से आपको क्लासिफिक मतलब जो कंपैरिजन जो है वो पता होना चाहिए कि इस तरीके का कंपैरिजन, क्योंकि इस टाइप के कंपैरिजन आप रखोगे तो इनसे रिलेटेड काफी सारे पॉइंट्स जो है वो लिख पाओगे और ये मेंस में काफी हेल्प करती है ये सब चीजें। चलिए वीर सावरकर जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1883 मई 28 को हुआ था महाराष्ट्र के नासिक में, भागुर में, राइट? और नेशनलिज्म और सोशल रिफॉर्म की बात करें, राष्ट्रवाद और सामाजिक सुधार की बात करें, तो इन्होंने यूथ ऑर्गेनाइजेशन मित्र मेला को बनाया था। तो यह पॉइंट कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि मित्र मेला जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है वीर सावरकर जी के द्वारा। और ये ऑर्गेनाइजेशन किस पर्पस के लिए था कि नेशनल और रेवोल्यूशनरी आइडिया जो है वो लाया जाए, युवाओं के बीच में प्रमोट किया जाए, राइट? तो इस पर मेनली फोकस करता था, राष्ट्रीय और क्रांतिकारी विचारों के प्रसार के लिए, प्रमोट करने के लिए बनाया गया था मित्र मेला यूथ ऑर्गेनाइजेशन। और ये फॉरेन गुड्स के अगेंस्ट थे, राइट? और इन्होंने आइडिया ऑफ स्वदेशी, स्वदेशी के आइडिया को प्रपोगेट किया था। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, राइट? जैसे मैंने अक्सर आपसे बोला हुआ है कि अक्सर लोग को लगता है कि गांधी जी के आने के बाद ये स्वदेशी का आइडिया जो है वो लाया गया, बट ऐसा नहीं है। गांधी जी के पहले ही काफी सारे लीडर्स जो थे जो स्वदेशी के आइडिया जो है उसको प्रमोट किया करते थे, राइट? और इसके अलावा अथीज्म को चैंपियन इन्होंने किया था, नास्तिकता और तार्किकता मतलब कि रैशनैलिटी, मतलब पूछो आप यानी कि क्वेश्चन करो तो इसको बोला जाता है रैशनैलिटी। आप क्वेश्चन करिए कि जैसे कि जो ऑर्डर जो सेट किया हुआ है पहले से, जो एंशियंट टाइम से या मेडिवल टाइम से जो ऑर्डर चला आ रहा है, राइट? तो उसको आप क्वेश्चन करें कि ऐसा क्यों, राइट? तो इस तरीके की अप्रोच पर इन्होंने जो है वो आप कह सकते हैं कि महानता जो है वो हासिल करी हुई थी, चैंपियनिज्म जो है वो या चैंपियन जो है वो ये बने थे इस अप्रोच में, राइट? इसके अलावा ऑर्थोडॉक्स हिंदू बिलीफ को इन्होंने डिसअप्रूव किया था। इनफैक्ट इन्होंने गाय की पूजा को जो है वो एज अ सुपरस्टिशियस के तौर पर जो है वो डिक्लेयर किया था कि गाय की पूजा जो है वो एक प्रकार का अंधविश्वास है, राइट? इवन इन्होंने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए काम किया रत्नागिरी में। एंड डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जो है उन्होंने इनके कार्य को भगवान बुद्ध के साथ जो है वो कंपेयर किया। कितनी बड़ी चीज है, तो ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट आ सकता है कि बी आर अंबेडकर साहब जो है उन्होंने किनके कार्य को भगवान बुद्ध के समान जो है वो कंपेयर किया था या रखा था, तो वीर सावरकर, ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, राइट? आगे की चर्चा करें, वीर सावरकर जो है वो प्रेसिडेंट थे हिंदू महासभा के 1937 टू 1943 के बीच में। और जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रेजिग्नेशन ऑफर किया था 1939 में, तो हिंदू महासभा की लीडरशिप में, यानी कि ये हिंदू महासभा के लीडर थे, राइट? और इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ कॉपरेट किया और सिंध बंगाल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर जो है वो अपनी सरकार जो है वो बनाई थी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट? इसके अलावा आगे की चर्चा करें, अभिनव भारत सोसाइटी, तो पुणे के अंदर इन्होंने गठन किया अभिनव भारत सोसाइटी का, तो ये वाला पॉइंट भी ध्यान में रखना है आपको, राइट? मित्र मेला, अभिनव भारत सोसाइटी, तो ऐसे पॉइंट्स लिख लो, इनसे रिलेटेड सिर्फ पॉइंट पॉइंट बस लिखना है आपको।
और इन्होंने तिलक की स्वराज पार्टी जो है वो ज्वाइन करी थी, इन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया था, फ्री इंडिया सोसाइटी अभिन्न भारत सोसाइटी के अलावा, राइट। और सोसाइटी जो है वो इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे कि इंडियन कैलेंडर के फेस्टिवल्स हो गए, राइट, फ्रीडम मूवमेंट लैंडमार्क्स हो गए, यानी कि इंपॉर्टेंट फ्रीडम के लिए जब शुरुआत हुई थी, मतलब जो डेट्स होती है कि कब कब हमने फ्रीडम मूवमेंट जो है वो शुरू किए, तो उनको इन्होंने फेस्टिवल के तौर पर जो है वो बनाना शुरू किया, राइट, इस पर्टिकुलर सोसाइटी ने, फ्री इंडिया सोसाइटी ने, राइट। और इंडियन फ्रीडम के बारे में डिस्कशन जो है वो करना शुरू किया इन्होंने, बेसिकली आर्म्स, यानी कि ये सपोर्ट करते थे कि यार इंडिया को फ्री करने के लिए वेपन्स का, आर्म्स का जो है वो उपयोग होना जरूरी है, राइट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और इन्होंने एक नेटवर्क भी इंडियंस का क्रिएट किया इंग्लैंड के अंदर, राइट, वेपन्स को जिन्होंने अपने पास जो है वो रखा, राइट, यानी कि वेपन्स, इक्विप्ड विद वेपन्स, कि ऐसे इंडियंस इनके पास वो हथियार जो है वो हुआ करते थे, राइट। और इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो इनके बुक जो है वो हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हमें देखने को मिलती है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, एंड आर्म्ड रिवोल्ट अगेंस्ट मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो सुधार के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह, तो इनकी किताब है दूसरी, टू नेशन थ्योरी, इन्हें के बारे में इन्होंने अपनी किताब हिंदुत्व में जो है वो मेंशन किया, हिंदुत्व नामक अपनी पुस्तक में दो राष्ट्र सिद्धांत की स्थापना जो है वो इन्होंने की, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक वीर सावरकर जी से रिलेटेड, आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई डाउट हुआ होगा, राइट। अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, किस तरीके से अप्रोच करनी है इस तरीके के टॉपिक्स को, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, छोटे छोटे फैक्ट्स जो है, यानी कि पर्सनालिटी का नाम लिखो, क्योंकि पर्सनालिटी से रिलेटेड आपसे मेंस में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्रीलिम्स में भी आपके सिलेबस में है, पर्सनालिटी का नाम लिखो और सिर्फ ये मान के चलो कि एक एक वर्ड में आपको पूरा जो है वो उनके बारे में लिखना है, जैसे उन्होंने कौन सी बुक जो है वो लेकर आए, कौन सी सोसाइटी जो है वो स्टैब्लिश करी, राइट, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, बट इस तरीके से पॉइंट वाइज जो है वो इनके बारे में आपको लिखना है अपने नोट्स के अंदर, राइट, क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसके बारे में ऑलरेडी आपको पता ही है, राइट, डिजिटल करेंसी के बारे में कि आरबीआई जो है वो काम कर रही है, राइट, मतलब फेज इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है, यानी कि फेज वाइज जो है वो अब लाया जाएगा, हमें देखने को मिलेगा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हमें देखने को मिलेगी, राइट। और बताया जा रहा है कि इस साल के ही एंड में हो सकता है कि एक पायलट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हो जाए इसका, राइट, डिजिटल करेंसी का, राइट, हमें देखने को मिले। और फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज फर्म जो है इन्होंने चार मेजर उपयोग की बात करी है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, कि फिट फॉर पर्पस, मनी यूज फॉर सोशल बेनिफिट्स, मतलब कि देखो क्या है, टोकन करेंसी के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा, इस टाइप की करेंसी का इनिशियल लेवल पर कैसे इस्तेमाल किया जाएगा टोकन करेंसी के तौर पर, जैसे कि गाइस आपको पता है कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हमारा है, राइट, वहां पर घोटाले हैं, करप्शन है, इस बात से आप सहमत हो, हम लोग को करप्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर, जो फेयर प्राइस शॉप जो होती है, राशन शॉप जो होती है, कितने घोटाले हैं, आपने एक मेरे ख्याल से नायक नाम है ना उस पिक्चर का अनिल कुमार की, उसमें आपने देखा होगा इस प्रकार के घोटाले, है ना, तो बहुत सारी हम लोग का इस टाइप के घोटाले जो है वो फेयर प्राइस शॉप पर देखने को मिलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, जो टारगेटेड ऑडियंस है, हम ऑडियंस नहीं मतलब सॉरी टारगेटेड बेनिफिशियरी जो हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि जो इंडिया के जो टारगेटेड जो कम्युनिटी है, राइट, कि जिन तक इंडिया जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अपनी वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, तो ये कह रहे हैं कि ये उनके खाते में ये डिजिटल करेंसी रख देंगे, और ये डिजिटल करेंसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेंड कर सकेंगे कहां पर, फेयर प्राइस शॉप पर ही। बात समझ रहे हो आप किस टाइप का ये बनाना चाहते हैं एक इंटरफेस। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आप पेटीएम का वॉलेट है, पेटीएम का मैं उसकी बात नहीं कर रहा यूपीआई की, मैं पेटीएम के वॉलेट की बात कर रहा हूं, तो आप पेटीएम के वॉलेट से क्या अपने बैंक अकाउंट, वैसे तो ट्रांसफर कर सकते हो, उसमें कुछ परसेंटेज चार्ज करते हैं, बट पेटीएम वॉलेट टू पेटीएम वॉलेट जो है वो ट्रांसफर इजिली हो जाता है, तो ये चीज आपको पता होगी, पेटीएम वॉलेट से दूसरे पेटीएम वॉलेट पर ट्रांसफर जो है वो इजिली हो जाता है। अरे वो छोड़ो, जैसे कि कई बार कुछ कंपनीज अपनी पॉइंट्स प्रोवाइड कराती हैं, राइट, कि आप जो है ये कैशबैक लीजिए, जैसे होता है बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो कैशबैक आपको प्रोवाइड कराती हैं, राइट, तो उनके जो कैशबैक पॉइंट्स होते हैं वो सिर्फ आप उन्हीं कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए यूज कर सकते हो, किसी पता है ना आप लोग को इस तरीके की के भी सिस्टम आपने देखे होंगे, आप फैमिलियर होंगे इस पर्टिकुलर सिस्टम से, होगी नहीं ये बताओ, है ना, तो इस टाइप का सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है, तो वैसे ही सेम टाइप का सिस्टम जो है वो यहां पर इनिशियल पीरियड में जो है वो लाया जाएगा, राइट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पे इंटेंडेड बेनिफिशियरी प्री प्रोग्राम
सीबीसीडी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी कि पहले से ही उनको बेनिफिशियरी को ऐसी करेंसी दी जाएगी कि वो सिर्फ विड्रॉ हो सकेगी एक एक ही एरिया पर, राइट? सिर्फ आप एक ही जगह पर जाकर उसको विड्रॉ कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, इससे हम लोग को देखने को मिलेगा कि रेदर देन गिविंग सब्सिडीज, सब्सिडीज देने की जगह क्या किया जाएगा कि इन लोगों को ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि ये डिजिटल करेंसी प्रोवाइड कर दी जाएगी। देखिए अभी इसमें जो चीज मैंने सब्सिडी वाली 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 जो चीज बताई ना, आपको शायद कहीं ना मिले, बट अपन को क्या करना है, हमेशा ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हो, सरकार के प्लान्स को देखकर आने वाले समय में सरकार क्या चीज करेगी उसका आपको एक अंदाजा लगाना है, राइट? और ये बिल्कुल करेक्ट है। आप जानते हो कि आज की डेट में बहुत सारे आर्टिकल्स आपको ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं जो कि सब्सिडी को एंड करने से एसोसिएटेड है, कि सब्सिडी को एंड करना चाहिए अगर इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर काम करना है तो, क्योंकि सब्सिडी के कारण ही कई बार घोटाले हो जाते हैं और एक्चुअली टारगेटेड जो बेनिफिशरीज हैं उन तक जो है वो वेलफेयर स्कीम्स का बेनिफिट जो है वो नहीं मिल पाता है ना, ये वाली चीज आप जानते ही हो इस घोटाले के चक्कर में। तो सरकार की अप्रोच यही है कि सरकार क्या करेंगी, एक पर्टिकुलर करेंसी जो है वो उन सभी लोगों के बैंक अकाउंट पर प्रोवाइड करा देंगी, राइट? कि जो कि सिर्फ, या एप्लीकेशन के माध्यम से जो कि सिर्फ विड्रॉ कर सकते हैं कुछ ही पर्टिकुलर स्टोर्स पर, कुछ ही सरकारी स्टोर्स पर। तो इससे क्या होगा कि अब जो स्टोर पर सप्लाई का सामान मौजूद होगा, ठीक है, अब वहां पर अभी तो ऐसा है कि अभी आप जो है वो किसी के भी नाम पर जो है वो निकाल सकते हो, सामान जो है वो निकाल सकते हो, घोटाले बहुत ज्यादा होते हैं, बट उस समय सामने वाला व्यक्ति आएगा और खुद ब खुद ये करेंसी जो है वो विड्रॉ करेंगे, तभी जाकर जो है वो सामान उनको मिल पाएगा। तो कई हद तक घोटाले जो है वो घट जाएंगे इससे। तो उसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि घोटाले जो हम लोग को सब्सिडीज के माध्यम से देखने को मिलते हैं कि जो काफी सारे होते हैं, तो वो काफी हद तक जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, राइट? इस चीज के चलते। तो ये वाली चीज आप जरूर कहीं पर लिख लो, क्योंकि ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी जो मैंने भी आपको सब्सिडी के साथ इसको लिंक किया है, राइट? और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है इसका उपयोग किया जा सकेगा क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस पेमेंट्स के लिए भी। रेमिटेंस क्या होता है गाइस? रेमिटेंस के बारे में आपको पता है कि रेमिटेंस जो है वो क्या होता है? रेमिटेंस किस चीज को हम लोग रेमिटेंस जो है वो कहते हैं? जो पैसा हमारे पास जो है वो दूसरी कंट्री से आता है कि हम जो है वो दूसरी कंट्री को देते हैं, कम्स फ्रॉम आउटसाइड, राइट? जो दूसरी कंट्री से हमारे पास जो है वो आता है। तो देखो क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस पेमेंट्स के लिए भी हम लोग जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकेंगे, राइट? यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी कोई फर्म है, राइट, या फिर वो हमें पेमेंट भेज रही है या हमें बेनिफिट प्रोवाइड करा रही है, या फिर हम हमको उनसे जो है वो कुछ काम कराना है, तो इस पर्टिकुलर, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे हम किस चीज से बचेंगे बताओ जरा? इससे हम लोग बचेंगे डॉलर्स जो हम लोग को देखने को मिलता है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो कई बार होता है ना कि हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है। जब इकोनॉमिक्स के बारे में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा तब ये सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट अभी आपको एक आइडिया देता हूँ कि क्या रहता है गाइस। जैसे आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के बारे में सुना होगा, राइट, कि हमारा जो है वो एक पर्टिकुलर रिजर्व हम लोग को मेंटेन करके रखना पड़ता है, राइट? मतलब एक रिजर्व होता है जिसको मेंटेन जो है वो किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, कि इतना अमाउंट, इतना कैपिटल जो है वो गवर्नमेंट के पास हमेशा जो है वो अवेलेबल रहना चाहिए, स्पेशली आरबीआई के पास, राइट? तो वो अपने पास जो है वो कैपिटल जो है वो रखती है। बट जैसे कि कई बार हम लोग देखते हैं कि जब हम ज्यादा मात्रा में इम्पोर्ट कराते हैं तो हम क्या करते हैं, डॉलर्स को जो है वो हमें जो है वो देना पड़ता है, आउट मतलब आउट करना पड़ता है डॉलर्स को, राइट? हमें जो है वो भेजना पड़ता है, क्योंकि आप पेमेंट करोगे डॉलर्स में ही करोगे। तो इस प्रकार की जब इम्बेलेंस की स्थिति बहुत ही हाई जब हो जाती है, तब उस कंडीशन में बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस आते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमारी जो कंपनीज है दूसरी, राइट, इंडियन कंपनीज अलग अलग जगह पर जो स्टैब्लिश है, तो रेदर देन उनको डॉलर में पेमेंट करने की जगह, राइट, फॉरेन करेंसी में पेमेंट करने की जगह हम जो है वो इसमें इनको जो है वो पेमेंट करें, जिसको ये विड्रॉ कर सकते हैं हमारे साथ ही, इंडिया के साथ ही। तो इससे क्या होगा, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस जो है उससे हम बच पाएंगे। फॉरेन करेंसी के जो फ्लक्चुएशन हम लोग को देखने को मिलता है ना, डॉलर ऊपर नीचे जाता है, इससे हम लोग बच सकेंगे कि स्टेबिलिटी जो है वो हमारे मतलब क्रॉस बॉर्डर जो हमारे ट्रांजेक्शन देखने को मिलते हैं तो उसमें, या पेमेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं क्रॉस बॉर्डर तो उसमें हम लोग को जो है वो हेल्प मिल सकेगी। तो देखिए ये एक मेन चीज है, तो ये चीज आपकी इसको समझनी है। तो इसमें बताया जा रहा है कि नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर और अरेंजमेंट जो है वो तैयार किए जा सकेंगे सीबीडीसी ट्रांसफर और कन्वर्जन के माध्यम से। तो इसका ये सब फायदा होगा, राइट, इंटरनेशनली भी हम लोग इसका उपयोग कर सकेंगे विदाउट फ्लक्चुएटिंग, मतलब कि जो डॉलर्स और रुपीज में जो फ्लक्चुएशन हम लोग को देखने को मिलता है, बिना उस फ्लक्चुएशन के एक स्टैंडर्ड प्राइस पर जो है ये डील हो सकेगी, राइट, ये ट्रांसफर जो है हो सकेंगे। और पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स कुड बी मेड अवेलेबल फॉर पेमेंट ट्रांजेक्शन टू बी मेड वाया सीबीडीसी। अब ऑब्वियस ही बात है, इस प्रकार की डिजिटल करेंसी से ट्रांजेक्ट करना है तो कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट तो होना ही चाहिए,
राइट, तो उसको अवेलेबल जो है वो करवाया जाएगा ट्रांजेक्शन के लिए, ट्रांजेक्शन को करने के लिए, है ना। फर्दर यूनिवर्सल एक्सेस एट्रीब्यूट्स ऑफ सीबीडीसी कुड आल्सो इंक्लूड एन ऑफलाइन पेमेंट फंक्शनैलिटी। तो ऑफलाइन पेमेंट फंक्शनैलिटी को भी इंक्लूड करने के लिए कुछ ऐसी चीज लाई जाएगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे पेटीएम करता है कि अगर आपको अपने बैंक अकाउंट में पैसे जो है वो ट्रांसफर करने हैं तो आप कन्वर्ट जो है वो कर सकते हो, बट उसका कुछ चार्ज जो है पेटीएम लेता है, आई थिंक 1.5-2% कुछ चार्ज जो है वो लेता है। तो ऐसी कुछ स्थिति ये कर सकेंगे कि इंटरनेशनली, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल इस करेंसी को जो है वो इंटरनेशनल करेंसी में जो है वो कन्वर्ट करा सके, करेंसी एक्चुअल में करेंसी में कन्वर्ट करा सके, तो वाला फीचर भी जो है उसमें ऐड किया जाएगा, राइट। और इसके अलावा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को इंस्टेंट लोन भी प्रोवाइड किया जा सकेगा इस माध्यम से, सीबीडीसी के माध्यम से। तो सीबीडीसी की जो है वो क्या आवश्यकता है, तो ऑफिशियल डिजिटल करेंसी जो है वो करेंसी मैनेजमेंट की जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर देगी और रियल टाइम पेमेंट जो है वो इनेबल कर देगी, राइट, किसी भी इंटर बैंक सेटलमेंट के लिए रियल टाइम पेमेंट, राइट, एट अ टाइम पेमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा। और इंडिया हमें जो देखने को मिलती है उसका करेंसी टू जीडीपी रेशियो जो है वो काफी हाई है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, करेंसी टू जीडीपी रेशियो जो है वो काफी हाई हम लोग को देखने को मिल रहा है, व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज दिस मीन, बताओ जरा। आपने ये रीड करके आए हो ना, देखो बिना रीड किए मत आया करो, क्योंकि रीड करके आओगे तो आप जब रीड करोगे तो आपके पास मैं चाहता हूँ कि डाउट्स क्रिएट हो, राइट, डाउट्स फिर आपके बने, और जब मैं एक्सप्लेन करूं तो उस दौरान अगर आपके डाउट्स क्लियर हो गए तो वेल एंड गुड, नहीं हुए तो फिर आप पूछ सकें। तो बताइए, आपने ये चीज पढ़ी है तो आप मुझे समझाएं कि करेंसी टू जीडीपी जो है वो क्या होता है। गाइस समझ में तो आ रहा है ना आपको, मेरी आवाज तो आ रही है अब तक? आज ज्यादा कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो जब मैं पूछता हूँ समझ में तो आ रहा है, मेरी आवाज तो आ रही है, यस लिखते हो, बट कोई क्वेश्चन पूछता तो उसका आंसर नहीं दे रहे हो आज। देखो करेंसी टू जीडीपी का सिंपल से मतलब यह है कि हमारी कंट्री में ज्यादा कैश का उपयोग किया जा रहा है, कैश का उपयोग जो है वो ज्यादा हम लोग करते हैं, राइट, कैश का उपयोग हमारी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में तो सभी को पता है, राइट, इंडिया के अंदर जो भी जितना भी हम लोग को देखने को मिलता है कि ट्रांजेक्शन आप कह सकते हो या जो भी हम लोग बनाते हैं इंडिया के अंदर, राइट, जो भी प्रोडक्शन हम लोग करते हैं, राइट, तो वो डोमेस्टिक डोमेस्टिकली जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जितने भी प्रोडक्शन हो रहे हैं, वो पूरी चीज जीडीपी के अंदर आ जाएगी, है ना। तो ये इसमें जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो हम किस में करते हैं, या इसमें सबसे ज्यादा उपयोग हम किस चीज का करते हैं, कैश का, करेंसी का सबसे ज्यादा उपयोग हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो सीबीडीसी आने के बाद जो है वो ये फायदा हो जाएगा, इसमें जो हम लोग जो है उसको रिप्लेस कर सकेंगे कैश को, किससे, सीबीडीसी से, ये डिजिटल करेंसी से। तो इसमें कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो पेपर करेंसी का, जो पेपर करेंसी जो हमें, जो नोट हम लोग को, रुपया जो हम लोग को जेब में देखने को मिलता है, राइट, तो वो जो है वो उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसको स्टोर करने में रिडक्शन हो जाएगा, राइट। तो ये इसके फायदे हम लोग को देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा इंटर बैंक सेटलमेंट जो है वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगा, राइट, क्योंकि सेंट्रल बैंक जो है वो पूरी तरह से ये इसको रेगुलेट जो है वो करेगी, वैसे अभी भी करती है सेंट्रल बैंक पूरी करेंसी को जो है वो रेगुलेट ऑब्वियसली, बट इस मायने में डिजिटल करेंसी को डायरेक्टली कर सकेगी, पूरी चीज जो है वो सिस्टम के अंडर हम लोग को देखने को मिलेगी, राइट, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है वो कंडक्ट की जाएगी। और ये सीबीडीसी या फिर नेशनल डिजिटल करेंसी है क्या, तो इसके बारे में आपको पूरी चीज पता ही है। तो सीबीडीसी या नेशनल डिजिटल करेंसी एक डिजिटल फॉर्म है कंट्री की फियाट करेंसी का। तो फियाट करेंसी क्या होती है, खाक मुद्रा क्या होती है फियाट करेंसी, जो हमारी जेब में, जो मैंने अभी उस दिन भी आपको समझाया था, पुराने 500 के नोट जो है ये फियाट नहीं बचे हैं अब, राइट, और अब नए 500 के नोट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है ये फियाट करेंसी, यानी कि एक कंट्री जिस करेंसी को मोहर लगा दे, जिस करेंसी के ऊपर ये एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ये करेंसी जो है वो देश में चलेगी, लीगल टेंडर जिसको हम लोग बोलते हैं, एग्जैक्टली, तो ये फियाट करेंसी हम लोग को देखने को मिलती है, लीगल टेंडर, राइट। तो ये डिजिटल फॉर्म होगा कंट्री की फियाट करेंसी का, और इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग पेपर करेंसी को प्रिंट करने की जगह या कॉइन्स को मिंट करने की जगह सेंट्रल बैंक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक टोकन जो है वो इशू करेगी, और टोकन की वैल्यू जो होगी वो पूरी तरह से, ऑब्वियसली बात है, उस वैल्यू का जो फेथ होगा, राइट, वो पूरी तरह से, और मतलब गवर्नमेंट की बैकिंग होगी, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो वही लीगल टेंडर जो चीज आपने कही, तो वो चीज हमें देखने को मिलेगी इस केस में, राइट। एससी गर्ग कमेटी का क्या रिकमेंडेशन था, तो आप, हमने क्रिप्टो करेंसी के बारे में जब डिस्कस किया था तब एससी गर्ग कमेटी के बारे में भी डिस्कस किया था, तो क्या बोला था इन्होंने कि सभी को जो है वो बैन कर दो किसी प्रकार से, जो भी व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी में डील करता है, ट्रांजेक्शन करता है, राइट, तो उनको बैन कर दिया जाए। इन्होंने जेल टर्म भी रिकमेंड करी है 1-10 साल की, कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो डिजिटल करेंसी में एक्सचेंज करता है या ट्रेड करता है, एक्सेप्ट कि वो करेंसी जो है वो सरकार द्वारा ना बनाई गई हो, क्योंकि इन्होंने इस चीज के बारे में तो बात करी थी, बट इन्होंने ये चीज भी कही थी कि पैनल को जो है वो ओपन माइंडेड होना चाहिए कि आरबीआई जो है वो क्रिप्टो करेंसी
को इशू करें, राइट। याद आ रही ये सब बातें हमने डिस्कस कर दी पूरी की पूरी। फिर चैलेंजेस हम लोग को क्या क्या देखने को मिलते हैं, राइट, इस प्रकार की करेंसी को लाने के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट हम लोग को देखने को मिलता है, हमारी कंट्री का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम, वो उतना स्ट्रेंथन नहीं है, उतना मजबूत नहीं है कि वो इस प्रकार से जो हैकिंग वगैरह जो होती है उससे डील कर सके एट प्रेजेंट, तो पर इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, राइट। डिजिटल लिटरेसी की कमी है जनता के बीच में, इसलिए लोग जो है वो कई बार बेवकूफ बन जाते हैं, राइट, डिजिटल इलिटरेसी के कारण, राइट। इसके अलावा इसको रेगुलेट करना, इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना और परचेज करना, राइट, इंडिविजुअल को टैक्स करना, तो इसके लिए हमें और भी नई नई प्रकार की चीजें जो है वो इंट्रोड्यूस करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और प्रिवेसी, ऑब्वियसली बात है, प्रिवेसी पर, लोगों की प्रिवेसी पर खतरा है, निजता के लिए खतरा, ये हम लोग को देखने को मिलती है, तो इस पर भी हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया पूरा ओवरऑल टॉपिक फिनिश, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड आपको, आगे बढ़ सकते हैं हम, पूरी चीज क्लियर। तो देखो यार, रीड करके आया करो आप, आज मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा, शायद आप लोगों ने रीड नहीं किया, क्योंकि उस टाइप के जो क्वेश्चंस मैं चाह रहा था कि सर ये करेंसी टू जीडीपी रेशियो क्या होते हैं ये बता दीजिए, तो उस टाइप के क्वेश्चन है वो नहीं आ पा रहे थे, तो रीड किया करो ना, तो उसकी एक एक लाइन जो है वो रीड किया करो, जो चीज समझ में नहीं आ रही उस पर एक सर्कल लगा लो, क्योंकि आपके पास पीडीएफ आती है, आप सर्कल कैसे लगाओगे, तो ऑब्वियसली बात है पीडीएफ के सॉफ्टवेयर होते हैं, राइट, तो उसमें ऑप्शन होता है एडिट करने का, तो उस पर सर्कल लगाओ, उस पर मार्किंग करो, राइट। जैसे कि देखो मैं मार्किंग करके रखता हूँ इस प्रकार की, तो वैसे ही आपको ही मार्क करके रखना है। लिखो मत ना, लिखो मत, देखो लिखना भी वैसे तो आप लोग के लिए जरूरी है, राइट, पढ़ते पढ़ते जो है लिखना अच्छी एक प्रैक्टिस होती है, बट एटलीस्ट आपको नहीं लिखना तो उसको मार्क तो कर लो, हाईलाइट कर लो कि यार ये चीज पूछनी है सर से, क्योंकि क्या होगा उससे आपको नेक्स्ट डे जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको याद रहेगी। देखो टैक्सिंग में इस प्रकार से प्रॉब्लम होगी क्योंकि इसका एक स्ट्रक्चर इनको तैयार करना पड़ेगा, राइट। पहली बात तो अभी आज की डेट में क्योंकि देखो डिजिटल करेंसी के थ्रू अब कहां पर किस चीज में एग्जेम्पशन होगा डिजिटल करेंसी के माध्यम से, राइट, क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि अक्सर जैसे कि आपके वॉलेट में पैसा आया, आप अपने वॉलेट से पैसे अगर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, राइट, तो उसका एक पूरा रिकॉर्ड, मतलब एक पूरी चीज है वो रखनी पड़ेगी इनको, एक अलग से एक स्ट्रक्चर क्रिएट करके रखना पड़ेगा कि किसमें इनको टैक्स करना है किसमें नहीं करना, तो एक नया स्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया जाएगा, तो ये एक चीज है, क्योंकि पूरे सिस्टम के अंदर इनको नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी टैक्सेशन के लिए, क्योंकि यहां पर देखिए आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली जो है वो लिखा हुआ है कि इंट्रोड्यूस जो है वो इनको करना पड़ेगा बहुत सारी चीजों को, राइट। इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल करेंसी, राइट, ऑल्सो क्रिएट्स वेरियस एसोसिएटेड चैलेंजेस इन रेगुलेशन, ट्रैकिंग इन्वेस्टमेंट एंड परचेज, टैक्सिंग इंडिविजुअल, राइट, तो ये सब चीजें, तो ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी आने वाले समय में। हाँ एग्जैक्टली, कि हमारे पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि देखो आप अगर ये करेंसी लेकर आओगे तो उसके लिए आपको कोई ना कोई एप्लीकेशन चाहिए रहेगी, और उसके बैकग्राउंड में अगर पूरे नेशन में अगर इस तरह की करेंसी को आप लीगलाइज करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि बैकग्राउंड में आपको अब, क्योंकि देखो डिजिटल करेंसी आएगी तो धीरे धीरे करके ये वाली जो कैश वाली जो करेंसी हम लोग को देखने को मिल रही है उसमें रिडक्शन होना शुरू हो जाएगा, तो उसमें आपको किस तरीके से पेमेंट लेना है, राइट, तो वो सब चीजें भी डिसाइड करनी पड़ेगी ना, तो टैक्सिंग में ये वाली चीजें जो है वो आएंगी हमें देखने को मिलेंगी इसको रेगुलेट करने में। देखो आज की रेट में मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, मैं आपको एक मिनट समझाता हूँ, एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने ये चीज देखी थी कि सब जीएसटी जो होती है वो सबसे ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कैश में जो है वो जीएसटी, आपको याद आ रहा है हमने पढ़ा था एक लाइन जो है वो एक स्टेटमेंट देखा था कि सबसे ज्यादा जीएसटी जो रिटर्न जो फाइल किया जा रहा है उसमें सबसे ज्यादा कैश का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लोग बात जो है वो कैश में जो है वो पेमेंट कर रहा है, राइट, तो ये वाली चीज भी जो है हमने देखी थी काफी ज्यादा इस तरह की, याद आ रही है आपको कि कैश का उपयोग भी काफी ज्यादा जो है वो किया जाता है इस प्रकार की चीजों में। फर्स्ट वी हैव टू पास डेटा प्रोटेक्शन बिल, एग्जैक्टली, कि हमें अगर प्रिवेसी की यहां पर जो बात की जा रही है तो उसके लिए डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो लाना चाहिए, राइट, तो ये सब देखिए ये सब रिकमेंडेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, जो एससी गर्ग कमेटी के द्वारा दिए गए हैं और जो अभी प्रपोजल जो है वो सामने रखा गया, इवन अभी कह रहे हैं कि इस साल के एंड तक ये करेंसी जो है वो लाई जाएगी, शुरू की जाएगी, तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई वो सब्सिडी वाला क्लॉज जो है वो इसके बेनिफिट में डेफिनेटली ऐड कीजिएगा, मजा आ जाएगा, क्योंकि ये हटके वाली चीज है वो आपके आंसर में जो है वो आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं,
तो जम्मू एंड कश्मीर में एक बड़ा घोटाला हम लोग को देखने को मिला था रोशनी एक्ट के तहत। अच्छा, रोशनी एक्ट इसका नाम जो है वो क्यों पड़ा, कोई बता सकता है कि रोशनी एक्ट इसका नाम जो है वो क्यों पड़ा? इसके बारे में ऑलरेडी पूरी चीज पढ़ा चुका हूँ, अलग से लिंक दी है मैंने। जो भी स्टूडेंट्स यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप पहले तो एक तो टेलीग्राम ग्रुप अपना ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी, वरना फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पर इसको भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बताओ इसका नाम रोशनी क्यों जो है वो पड़ा, क्या रीजन था इसका नाम रोशनी पढ़ने के लिए? बिल्कुल, कि गवर्नमेंट ने कहा कि रेवेन्यू जो जनरेट होगी, राइट, वो स्पेंड की जाएगी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स में, तो इसलिए इसका नाम रोशनी जो है वो पड़ गया, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिली। ये बड़ा घोटाला जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हम लोग को देखने को मिला कि बहुत ही, मेरे ख्याल से 1 रुपए में जमीन जो है वो, काफी एकड़ जमीन जो है वो लोगों के नाम पर ट्रांसफर जो है वो की जा रही थी। 1 रुपए नहीं, एग्जैक्टली 100 रुपए, 100 रुपए कैनाल डॉक्यूमेंटेशन फीस में, बहुत ही कम फीस में जो है वो जमीन जो है वो ट्रांसफर की जा रही थी, हम लोग को देखने को मिल रहा था भारी मात्रा में लोगों को। और इसमें मंत्री वगैरह और ब्यूरोक्रेट्स वगैरह उनके नाम भी जो है वो सामने आए थे, तो मैंने इसकी एक रिपोर्ट भी आपको जो है वो पढ़ाई थी, राइट, तो उस लेक्चर के अंदर। तो वो वाला टॉपिक आप देख लीजिएगा, अगर आपको नहीं पता है उसके बारे में, डिटेल्स नहीं पता है, तो उस टॉपिक को जरूर देखिएगा आप, तो उसकी डिटेल्स जो है आपको बहुत अच्छे से पता लगेंगी। कैग की रिपोर्ट आई थी, तो जिसमें बहुत 25,000 करोड़ के घोटाले की जो है वो बात की गई थी, राइट, कि 25,000 करोड़ रुपए के अगेंस्ट हम लोग को मात्र 76 करोड़ ही देखने को मिला कि जो एक्चुअल में जो है वो ट्रांसफर हुआ था, राइट। तो ये घोटाला है बहुत बड़ा जम्मू एंड कश्मीर का। और अभी क्या किया जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर की सरकार अब जो बेनिफिशियरी जो है, जिनको बेनिफिट मिला था इस पर्टिकुलर रोशनी एक्ट के तहत, राइट, तो उनको जो लैंड जो है वो ट्रांसफर की गई थी, तो वो लैंड वापस जो है वो ले रही है जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट, राइट। ये वाली चीज है, क्योंकि उसी जमीन में जो है वो घोटाला हुआ था कि इन्होंने ट्रांसफर तो कर दी थी जमीन, बट जिस रेट में ट्रांसफर हुई थी, और एक्चुअली जो बेनिफिशियरीज हैं जिनको एक्चुअल में ट्रांसफर होना चाहिए था, उनको जो है वो ट्रांसफर नहीं की गई है जमीन, राइट। तो उसको जरूर देखना, वो टॉपिक मैंने लिंक आपको प्रोवाइड करा के रखी है, उसमें बहुत डिटेल में इसको जो है वो समझाया हुआ है। मैंने 3-4 वेबसाइट्स का भी उपयोग किया, मेरे ख्याल से विकीपीडिया का भी उपयोग किया, और एक आधी न्यूज़पेपर की वेबसाइट का भी उपयोग करके आपको चीजें बहुत तरीके से जो है वो समझाई, उसको जरूर देखना आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को। और घोटाले के कारण जो है वो इसको हटाया जा रहा है, इसमें घोटाले बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिला है, राइट। तो वैसे आप लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था, जो अभी ऑनलाइन है जो स्टूडेंट्स, तो उसमें कोई डाउट, किसी को डाउट आया करे तो पूछ लिया करो। अब आईमैक की हम लोग बात करेंगे, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर की हम लोग बात करेंगे। आईमैक, मैंने आपको उसमें भी जो टीचमेंट, जो अपनी लाइव की एप्लीकेशन है, लाइव क्लासेस की, तो उसमें भी मैंने आपको चैट पर जो है वो कल रात में लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दी थी। चलिए आईमैक की बात करते हैं। तो ये नोडल एजेंसी है मैरीटाइम डेटा फ्यूजन की। इसका क्या मतलब हुआ मैरीटाइम डेटा फ्यूजन, बताओ कौन समझाएगा मुझे मैरीटाइम डेटा फ्यूजन का क्या मतलब होगा? एक मिनट, मैं जब तक चार्जर लगा देता हूँ। जल्दी बताओ मैरीटाइम डेटा फ्यूजन क्या है, समुद्री डेटा संलयन क्या है, उसकी ये नोडल एजेंसी आईमैक, तो उसका काम क्या होगा? पहली लाइन, फर्स्ट लाइन, यस, डेटा शेयर। देखिए क्या होता है कि ओशियन से रिलेटेड जितने भी डेटा हम लोग को देखने को मिलते हैं, लेट्स से कि जैसे कि हमने जो है उसके बारे में पहले भी जो है वो डिस्कस किया हुआ है, कि अलग अलग कंट्रीज के साथ जो है वो हम लोग संबंध बना रहे हैं, किस टाइप के, कि वो हमें जो है वो डेटा शेयर करें कि उनके आसपास ओशियन में, यानी कि उनकी जो एजेंसीज हैं, राइट, जो ट्रैक करती हैं कि वेरियस शिप्स वगैरह को, या वेरियस मूवमेंट्स जो ट्रैक करती हैं, राइट, तो उनको जो है वो हमें इंफॉर्मेशन दे सके कि बाय चांस कोई एक ऐसी अनऑथोराइज जो शिप जो है, या मूवमेंट, अनऑथोराइज मूवमेंट जो है वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, 26/11 जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था, तो उसमें हम लोग को इसी प्रकार की चीज देखने को मिली थी कि इन लोग जो है वो समुद्र के रूट के थ्रू जो है वो एंटर किए थे इंडिया के अंदर, राइट। तो इस प्रकार से इलीगल अनऑथोराइज मूवमेंट जो है वो नहीं होना चाहिए समुद्री एरियाज पर, राइट, समुद्र पे। तो इसलिए समुद्र की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ये सेंटर जो है वो तैयार किया गया था, राइट। और ये जो नोडल एजेंसी है, ये आईमैक, जो मैरीटाइम डेटा फ्यूजन की हम लोग को देखने को मिल रही है, यानी कि अलग अलग कंट्रीज के साथ डेटा रिसीव करती है और शेयर करती है, राइट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, और साथ ही साथ 26/11 का ये वाले पॉइंट आपको पता ही होना चाहिए, उससे आपको पता लग जाएगा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना।
और इसके अलावा इसे अप्रूव किसने किया था, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा 2012 में इसको अप्रूव किया गया था, और ये 2014 से ऑपरेशनल हो गई है, और ये कहां पर लोकेटेड है, गुरुग्राम में हम लोग को देखने को मिलती है कि ये लोकेटेड है, राइट, नोडल एजेंसी हम लोग को देखने को मिलती है, और नोडल सेंटर है किसका, नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस सिस्टम का, राइट, जिसको स्टैब्लिश किया गया है, यही जो चीज मैंने आपको बताई है कि ऑपरेशनल सेंटर और लोअर एकेलॉन्स, ये क्या होता है गाइस, एचेलॉन्स बोलेंगे इसको, एकेलॉन्स बोलेंगे, क्या होता है ये, कौन होते हैं ये, लोअर एचेलॉन्स ऑफ द नेवी, बताओ आप लोगों ने पढ़ा है तो बताइए थोड़ा सा इसके बारे में, एंड कोस्ट गार्ड, सी से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करना और शेयर करना, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप राजीव जी, मतलब ये तो आप पहले की बात करो, अभी इसका आंसर मैं चाहता हूँ, बिल्कुल सिक्योरिटी स्टाफ, सिक्योरिटी के लिए हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, तो उनके साथ जो है वो एक लिंक जो है ये क्रिएट करते हैं और स्प्रेड करते हैं कंट्री की, मतलब जो हमारी कंट्री की कोस्ट लाइन पर जो सिक्योरिटी जो मौजूद है, राइट, तो यहां से बैठे बैठे ये उनसे जो है वो इंफॉर्मेशन सीख करते हैं, साथ ही साथ दूसरी कंट्री से भी इंफॉर्मेशन जो है वो सीख करते हैं, तो ये इनका काम हम लोग को देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर सेंटर का, राइट, तो सिंपल सी चीज ही आपको पता होनी चाहिए। प्रीति मुझे ये समझ में नहीं आया, इन स्टेट ऑफ साइक्लोन विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी, सो एनीवेज अब HCNG की बात करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन एनरिच्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की जो है वो हम लोग बात करेंगे, तो अभी आपको पता है गाइस कि हमारी कंट्री के अंदर नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन हम लोग को देखने को मिला है, जिसके बारे में कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, हाइड्रोजन मिशन के बारे में याद आ रहा है, तो उसी के बाद अब एक और पुश हम लोग कर रहे हैं, हम लोग हाइड्रोजन और CNG को जो है वो ब्लेंड करेंगे, राइट, हाइड्रोजन और CNG की ब्लेंडिंग हम लोग को देखने को मिलेगी, इसको हम लोग मिक्स करेंगे। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने डेवलप किया है स्पेसिफिकेशन हाइड्रोजन इनरिच कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के लिए कि किस प्रकार के इंजन जो है वो होंगे, यानी कि ऑटोमोटिव पर्पस, यानी कि कैसे इंजन में इस टाइप का HCNG का फ्यूल जो है वो उपयोग में लिया जाएगा, तो उसकी स्पेसिफिकेशन भी जो है वो दे दी है BIS के द्वारा। HCNG की बात करेंगे तो इसमें हाइड्रोजन और CNG की ब्लेंडिंग होगी, मिक्स किया जाएगा, राइट, और इस ब्लेंडेड गैस को HCNG नाम जो है वो दिया गया है, राइट, और इसका उपयोग आप गैसोलीन के तौर पर, डीजल फ्यूल के तौर पर और प्रोपेन के तौर पर जो है वो कर सकते हो, इवन LPG के तौर पर जो है वो कर सकते हो, और हालांकि इसके कंबशन से जो इसको जलाया जाएगा, इसका जब उपयोग किया जाएगा, एनर्जी जब इसकी यानी कि कन्वर्ट की जाएगी, राइट, किसी पर्पज के लिए, जैसे गाड़ी में जो है वो आप चलाने के लिए कन्वर्ट करते हैं, तो उस दौरान जो है एमिशन होगा, राइट, लिटरली एमिशन होगा, बट हाँ एज कंपेयर टू जैसे कि जो जनरली CNG की बात करें हम लोग, या फिर जो गैसोलीन की बात करें या डीजल फ्यूल की बात करें, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पर कम्बशन जो होगा वो कम होगा, तो कम्बशन तो होगा डेफिनेटली बट कम होगा। इसके एडवांटेजेस हम लोग को क्या देखने को मिलेंगे, तो ये एमिशन को कार्बन मोनोऑक्साइड के एमिशन को जो है वो 70% तक जो है वो रिड्यूस कर देगा, फ्यूल में 5% की बचत होगी, यानी कि एस इन टर्म्स ऑफ लाइक आप ये कह सकते हैं कि जो वैल्यू वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो उसके टर्म में जो है वो 5% की सेविंग्स हम लोग को देखने को मिलेगी, राइट, कॉस्ट के टर्म्स में 5% की सेविंग हम लोग को देखने को मिलेगी, और ये पहला स्टेप हम लोग को देखने को मिल रहा है फ्यूचर हाइड्रोजन इकोनॉमी के लिए, और साथ ही साथ इसमें बताया जा रहा है कि इंजन जो है उसको बहुत ही आसानी से जो है वो मॉडिफाई किया जा सकेगा, कि इंजन जो है वो बहुत ही कम अमाउंट पर नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो रिलीज करे, राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलेगी कि जो ये हार्मफुल और जो हेल्थ से रिलेटेड जो हेल्थ पर इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली जो गैसेस हम लोग को हार्मफुल गैसेस देखने को मिलती हैं, तो उसको रिड्यूस करने का काम करेगा, और इंजन जो है उन्हें बहुत ही मतलब कम मॉडिफिकेशन की आवश्यकता होगी HCNG में चलने के लिए, राइट, और इसमें बताया जा रहा है कि ये जो हाई लोडेड एप्लीकेशन यानी कि बड़ी बड़ी जो गाड़ियां होती हैं, तो उनके लिए भी आसानी से जो है वो ऑपरेट कर सकेगा, यानी कि उनको भी उनके उनके लिए भी ऑपरेट कर मतलब पावर का जो है वो काम कर सकेगा उनको चलाने के लिए, और बेटर परफॉर्मेंस इसको मिल सकेगी हायर ऑक्टेन रेटिंग के कारण H2 की हाइड्रोजन की, राइट, और डिसएडवांटेज इसके हम लोग को क्या क्या देखने को मिल रहा है, देखिए इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ये निर्धारित करना कि हाइड्रोजन और नेचुरल गैस का ऑप्टिमाइज रेशियो क्या होगा, इसका क्या मतलब हुआ ऑप्टिमाइज रेशियो का, ऑप्टिमाइज रेशियो यानी कि कितना आपको हाइड्रोजन डालना है और कितना नेचुरल गैस आपको डालनी है, मिक्स कितना करना है, कितनी उसकी ब्लेंडिंग होगी जिससे कि बेटर या सबसे बेस्ट रिजल्ट जो है वो निकल के आ सके, तो उसको निर्धारित करना, इस रेशियो को निर्धारित करना जो होगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, राइट। दूसरा चैलेंज या डिसएडवांटेज हम लोग को जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि नए इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना पड़ेगा इस HCNG के लिए,
काफी सारी स्टेप्स जो है वो लेनी पड़ेगी इसको लार्ज स्केल में कमर्शलाइज करने के लिए, कि लोगों तक पहुंचाने के लिए, कि लोग जो है वो इसका उपयोग करें, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है कि उसके लिए और आवश्यकता जो है वो पड़ेगी लार्ज स्केल पर। और साथ ही साथ आज की रेट में हाइड्रोजन की जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू नेचुरल गैस, तो इसलिए HCNG जो होगी वो CNG से ज्यादा कॉस्टली होगी। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे एक्रॉस स्कीम के बारे में, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज। मशीन के थ्रू नहीं, ऑप्टिमाइजेशन के लिए, एक मिनट रुकिए, स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। मशीन्स के थ्रू रेशियो डिटरमाइन कर सकते हैं जैसे फार्मा कंपनी, नहीं इसमें देखो कंप्लीटली आप मशीन के ऊपर बेस नहीं काम कर पाओगे ना इसको, इसमें आपको जो है वो एटलीस्ट चेक तो करना पड़ेगा कि कितना जो है वो मतलब आपको किस तरीके के मिक्सचर को जो है वो ऐड करना है जिससे कि आपको बेस्ट रिजल्ट जो है वो मिल सके, तो करना तो पड़ेगा एटलीस्ट। तो ये भी एक पर्टिकुलर डिसएडवांटेज है, इसमें आपको निर्धारित तो करना ही पड़ेगा। अमित जी वाई किस चीज के लिए आप वाई लिख रहे हो? ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन देखिए इसके बारे में तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हाइड्रोजन मिशन के बारे में शायद आपने ये टॉपिक को पढ़ा नहीं है, कि इसको बनाने के लिए, इसको जो बनाने की जो प्रक्रिया हम लोग को देखने को, बताओ जरा मुझे कि किस पर्टिकुलर प्रक्रिया के थ्रू हाइड्रोजन को बनाया जाता है, हमने डिस्कस किया हुआ इसको। कॉस्टली अच्छा कॉस्टली इन द सेंस इसको स्टोर करने के लिए, इसका जो स्टोरेज जो है वो कॉस्टली हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। प्रोडक्शन भी इसका जो है वो कॉस्टली एक प्रकार से, देखिए आज की डेट में अगर हम लोग चीजों को देखें तो हम पूरी तरह से इवन सोलार एनर्जी भी जनरेट नहीं कर पाए, बट अगर आपको ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो बनाना है, जनरेट करना है, तो पहले आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए जो रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसके थ्रू पावर जनरेट करने की। याद आ रहा है हमने इलेक्ट्रोलिसिस को जब मैं आपको समझा रहा था तो इसी मेथड को मैंने आपको समझाया था। तो इसमें क्या हो रहा है, अल्टीमेटली हाइड्रोजन को बनाने में कॉस्ट एड ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि पहले आप सोलार ग्रिड का इस्तेमाल करें, राइट। अब सोलार ग्रिड भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी आज की डेट में वो नहीं है, सस्ती नहीं है, वो कॉस्टली ऑलरेडी। अब उससे जो प्रोडक्ट जनरेट होगा तो वो भी तो कॉस्टली होगा ना, क्योंकि उसकी कॉस्ट भी जो है वो निकालनी है अल्टीमेटली, क्योंकि डायरेक्ट हाइड्रोजन तो बन नहीं रहा है। हाइड्रोजन को बनाने के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, तो उसको बनाने के लिए आपको जो है वो पहले रिन्यूएबल प्रोसेस से होकर जो है गुजरना है। आप समझ में आया अमित जी? तो इसलिए इसका कॉस्ट जो है वो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। सेकेंडली इसका स्टोरेज भी हम लोग को देखने को मिलता है कि हमारे पास इसको स्टोर करने के लिए भी वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाने पड़ेंगे, तैयार करने पड़ेंगे, तो वो अगेन जो है वो कॉस्ट एड ऑन करेगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखा करो आप, बिल्कुल बेसिक सी चीज अपन ने उसमें पढ़ी थी, कहां पर, नेशनल हाइड्रोजन मिशन के अंदर, राइट। अब क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलो अब हम बात करते हैं एक्रॉस स्कीम के बारे में, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज, एक्रॉस स्कीम। तो इस पर हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव कर दी है स्कीम को, जिसे एक्रॉस नाम दिया गया है। अगले 5 सालों के लिए स्कीम हमें देखने को मिलेगी। अब इस स्कीम में पहले मैं आपको समझा देता हूं कि क्या क्या चीजों पर मेनली फोकस किया जा रहा है। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अक्रॉस स्कीम के बारे में, कोर तरीके से क्या चीज हम लोग को देखने को मिल रही है अक्रॉस स्कीम के बारे में। तो ये क्या है, पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, एटमॉस्फेरिक साइंस प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का। किसका है, कौन सी मिनिस्ट्री की अक्रॉस स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ये चीज याद रखना। जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हम लोग को वेदर और क्लाइमेट सर्विसेज के देखने को मिलते हैं, जैसे कि वार्निंग हो गया साइक्लोन्स की, स्ट्रॉम जो भवंडर तूफान जो हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, तो उसके बारे में वार्निंग, हीट वेव्स की वार्निंग, थंडर स्ट्रॉम्स की वार्निंग। तो एक प्रकार से क्लियर ये चीज हो गई है हमें कि अक्रॉस स्कीम जो है वो कुछ नहीं है, क्लाइमेट और वेदर के जो इवेंट्स होते हैं उसके बारे में प्रिडिक्शन प्रोवाइड कराने के लिए, कि हम प्रिडिक्ट कर सकें, राइट, फोरकास्ट जो है वो कर सकें बेटर तरीके से, तो उसको लेकर ये स्कीम हमें देखने को मिल रही है कि ये ऐसे प्रोग्राम जो है वो लाए जाए साइंस के ऊपर आधारित, जो बेटर तरीके से, एक्यूरेट तरीके से, प्रेसाइज हम लोग को जानकारी जो है वो दे सकें, राइट, इस प्रकार की वार्निंग जो है वो हमें प्रोवाइड करा सके। और एक्रॉस के अंदर 8 स्कीम्स है, मतलब एक्रॉस क्या है, एक अम्ब्रेला स्कीम है, उसके अंदर हम लोग को 8 सब स्कीम्स देखने को मिलती हैं, राइट, जिसमें काफी सारे प्रोग्राम्स है एटमॉस्फेरिक साइंस को समझने के लिए। तो ये 8 जो मास्टर स्कीम्स जो इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है वो क्या है, कमिश्निंग ऑफ पोलैरिमेट्रिक
डॉपलर वेदर रडार्स, अब रडार की यहां पर बात हो रही है राइट, फोरकास्टिंग के पर्पस के लिए, अपग्रेडेशन ऑफ फोरकास्ट सिस्टम, जो ऑलरेडी हमारा फोरकास्टिंग सिस्टम है उसको आपको अपग्रेड करना है राइट, फोरकास्ट सिस्टम वेदर और क्लाइमेट सर्विसेज को, एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन नेटवर्क राइट, एक ऑब्जर्वेशन नेटवर्क जो है वो तैयार करना है अलग अलग, जिसमें एजेंसीज होंगी वो इंक्लूडेड रहेंगी, न्यूमेरिकल मॉडलिंग ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट राइट, एक इस प्रकार का मॉडल जो है वो तैयार करना है न्यूमेरिक्स के आधार पर राइट, कि जिससे कि आप जो है वो फोरकास्टिंग करने में आपको मदद मिल सके, मॉनसून मिशन थर्ड, मॉनसून कन्वेक्शन, क्लाउड्स एंड क्लाइमेट चेंज, और मॉनसून कन्वेंशन, क्लाउड एंड क्लाइमेट चेंज, और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम राइट। तो ये सब हम लोग को 8 प्रोग्राम्स देखने को मिल रही है, 8 सब स्कीम्स हम लोग को देखने को मिल रही है जो अक्रॉस स्कीम के अंडर है। अब इसका बेनिफिट हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, तो इससे एक तो इम्प्रूव वेदर फोरकास्टिंग सर्विसेज हम लोग को मिल सकेगी राइट, क्लाइमेट और ओशियन फोरकास्टिंग और सर्विसेज जो है वो मिल सकेगी, इंश्योर किया जा सकेगा कि इसका बेनिफिट जो है मतलब और लार्ज लेवल पर जो है वो प्रोवाइड मिले, और जिससे कि वेरियस डिजास्टर्स वगैरह जो है उनसे रिलेटेड हम लोग को पहले ही इंफॉर्मेशन मिल जाए और हम पहले ही व्यवस्था कर सके, जिससे कि वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ जो है उसके नुकसान में जो है वो कमी है, क्योंकि लाइफ लाइफ लॉस जो होता है हम लोग को जो देखने को मिलता है तो उसमें कमी है डिजास्टर के कारण राइट, कि पहले से ही बेटर और प्रिसाइज फोरकास्टिंग से हम लोग जो है वो पहले से ही व्यवस्था जो है वो कर सकें, जिससे कि लॉसेज जो है उसको हम लोग घटा सकें राइट। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड अ साइजेबल नंबर ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल स्टाफ, बहुत भारी मात्रा में स्टाफ आए, अब देखो स्टाफ आएंगे तो ऑब्वियसली बात है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलेगी। इंश्योर करेगा लास्ट माइल कनेक्टिविटी वेदर बेस्ड सर्विसेज की एंड यूजर तक, यानी कि एंड यूजर अल्टीमेटली सिटीजन की यहाँ पर बात हो रही है राइट, कि उन तक जो है वो जानकारी बेटर तरीके से मिल सकेगी कि कब कहाँ डिजास्टर जो है वो आने वाला है, जिससे कि वो जो है वो खुद अपनी जान जो है वो बचा सके राइट, और वहां से जो है वो निकल सके, और अथॉरिटीज भी जो है वो पूरी तरह से सिचुएशन को जो है वो टाइम रहते हुए मैनेज कर सके राइट, और लॉसेस को रिड्यूस कर सके। और काफी सारी एजेंसी जैसे कि कृषि विज्ञान केंद्र ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की, और काफी सारी यूनिवर्सिटीज और लोकल म्युनिसिपैलिटीज जो है राइट, तो ये भी क्या करेगी, काफी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करेगी, क्योंकि इसमें ज्यादा मात्रा में स्टाफ जो है वो रखा जाएगा, और इसमें हालांकि डिजास्टर मैनेजमेंट वाली चीज इंक्लूडेड नहीं है, बट आप जो है वो कर सकते हैं कि इसमें हम लोग बेटर तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो कर सकेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट में फायदा जो है वो मिल सकेगा। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा से इंप्लीमेंट किया गया, किसके कोलैबोरेशन के साथ, IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, और इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। तो ये जो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज जो हमें देखने को मिलती है ना INCOIS, तो ये कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर हम लोग को कहां पर देखने को मिलता है, कोई बता सकता है, गुड़गांव में। और अभी आपको याद आ रहा है जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर की हमने बात करी है, वो भी यहीं पर ही एसोसिएटेड है, तो ये दोनों लिंक है, ये एक प्रकार से इसी की एजेंसी हम लोग को देखने को मिलती है जो इसके इसके लिए काम करती है राइट, जिसके बारे में आज ही हम लोग ने जो है वो चर्चा करी, किसके बारे में, IMAC के बारे में, याद आ रहा है आपको। तो इस तरीके से भी ये दोनों टॉपिक को रिलेट करो, याद रखने की कोशिश करो ठीक है। तो ये चीज हो गई, और जो चीज एक्स्ट्रा जो अभी न्यूज में आई थी तो उसको हम लोग देख लेते हैं, बाकी इस टॉपिक के अंदर अक्रॉस स्कीम के अंदर जो मैंने भी आपको जानकारी दी वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कैबिनेट कमेटी ने इसको इंप्रूव अप्रूव जो है वो कर दिया, जिससे कि हम लोग को देखने को मिलेगा कि फोरकास्टिंग में इंप्रूवमेंट जो है वो नजर आएगा, प्रिडिक्ट करना जो है वो काफी आसान हो जाएगा डिजास्टर्स की फ्रीक्वेंसीज, जैसे कि साइक्लोन्स, हीट वेव्स, ट्रांसफॉर्म्स, वो थंडर स्टॉर्म्स राइट, एक्सेसिव रेनफॉल, तो इस प्रकार की जो चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं तो उनके बारे में जानकारी जो है वो आसानी से जो है वो मिल सकेगी राइट, इस प्रोग्राम के जरिए राइट। तो ये चीज हम लोग, और आज की डेट में क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ये सब जो डिजास्टर जो है उसमें भी इंक्रीज जो है वो होता जा रहा है राइट, और एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी जो है उससे प्रोवाइड किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, तो उस पर हमने जो है डिस्कशन ऑलरेडी कर ही लिया, और साइंटिफिक और टेक्निकल टैलेंट्स जो है उनके नंबर्स भी जो है वो इंक्रीज होंगे राइट, क्योंकि इसमें साइंटिफिक तरीके से जो है वो चीजों को कैलकुलेट किया जाएगा राइट, सिस्टम जो है वो तैयार किया जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसमें साइंस और इंजीनियरिंग भी आप कह सकते हो, साइंस और इंजीनियरिंग की फील्ड में लोगों को जो है वो रिक्रूट किया जाएगा राइट। तो आप इसमें पावर स्कीम का भी उपयोग जो है वो कर सकते हो, जो अभी लॉन्च हुई है पावर योजना राइट, वुमेन के लिए राइट, तो उसमें भी फायदा जो है वो हम दे सकते हैं राइट। तो ये चीज है, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, और इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है ये वाले पूरे आज के ये एंड होते हैं। आपको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।
बिल्कुल रिसर्च और डेवलपमेंट को ये बूस्ट करेगा ही करेगा डेफिनेटली हमारी कंट्री के अंदर। और बाकी जिन भी स्टूडेंट्स को कोर्सेज की इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारे 9713282838 इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके कोर्सेज की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और बाकी अनअकैडमी में कुछ भी परचेज करो या फिर फ्री फ्री में भी कुछ चीज एक्सेस करो तो झा सर का कोड लगाना भूलना नहीं। ठीक है, चलो फिर एंड करें सेशन को, अगर कुछ नहीं पूछना तो सेशन को एंड करते हैं। ठीक है चलो गाइस, फिर साइन ऑफ करते हैं, मिलते हैं अपन कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। सर अब आप नहीं, अनअकैडमी नहीं जा रहे यार, अनअकैडमी के प्रमोशन पार्टनर है अमित जी, हम अनअकैडमी के प्रमोशन पार्टनर है, अनअकैडमी नहीं जा रहे हैं, उसकी टेंशन मत लो, प्रमोशन पार्टनर है। ठीक है, चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।